नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 यानी कि PO और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन एग्ज़ाम्स के बारे में हमें जानना होगा कि इसका पैटर्न क्या रहता है, पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, इस साल की संभावना क्या बनी, अगर पिछली बार कट ऑफ हाई रही थी तो उसका कारण क्या था, और जिन स्टेट में कट ऑफ लो रही थी तो उसका कारण क्या था। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होना है हमारी प्रीलिम्स की यहाँ पर होना है 1 अगस्त को। ठीक है, PO की होगी 1 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। कोरोना के कारण ऊपर नीचे डेट्स हो सकती हैं, फिर भी देखते हैं क्या सिनारियो रहता है आने वाली एग्ज़ाम्स का इसका। और जो है अगली जो एग्ज़ाम बड़ी होने वाली है वो IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट ही होने वाली है। ठीक है, चलिए बिना वगवाई शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जान लेना है पैटर्न को, पैटर्न किस तरह का रहेगा। सबसे पहले ये ऊपर दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का पैटर्न दिया हुआ है। इसमें आप इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 45 मिनट का। ठीक है, 80 नंबर का पेपर होगा, 80 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 40 मार्क्स के। ठीक है, उसी तरह ऑफिसर स्केल 1 में भी यही होगा, 2 सब्जेक्ट आएंगे प्रीलिम्स में, 1 रीजनिंग आएगा, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में 40 होंगे, ठीक है 40 मार्क्स के होंगे, वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स से, टोटल पेपर होगा 80 नंबर का और 80 क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपको 45 मिनट कंपोजिट दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं उनके लिए गोल्डन चांस है कि आप इस एग्ज़ाम्स को निकाल के गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेन मुद्दे की बात यहाँ से आती है। ये सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट का है, जो कट ऑफ की हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ राज्य हैं जिनकी कट ऑफ मैंने शो की है, देखते हैं कट ऑफ क्या रही थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल कहा जाने वाला स्टेट है, 66.75 यहाँ की कट ऑफ थी। ठीक है, कट ऑफ में गिरावट यहाँ देखने को मिली थी, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 70 मार्क्स गई थी, कट ऑफ में यहाँ गिरावट देखने को मिली है। राजस्थान, राजस्थान की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, राजस्थान की 78.75 कट ऑफ गई थी, सबसे हाईएस्ट गई थी ओडिशा की 79.75। ठीक है, इन स्टेट्स में कट ऑफ हाई ही रहती है, वैकेंसीज कम रहती है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ 70.5, आंध्र प्रदेश में 76.25 गया था, उत्तर प्रदेश में 73 कट ऑफ थी, बंगाल में 77.75 थी, पंजाब में 78.50, गुजरात 78.25। अब यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट गुजरात की, मध्य प्रदेश की। ठीक है, इन दो स्टेट्स के बारे में थोड़ी देर से चर्चा करते हैं। बिहार में 75.50 कट ऑफ थी, हरियाणा में 78.50, हिमाचल प्रदेश में 76.25, जम्मू कश्मीर में 73.50, महाराष्ट्र 67, तमिलनाडु 71, तेलंगाना 73। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 राज्यों की, एक थे मध्य प्रदेश और गुजरात। अब देखो हर साल होता क्या था, गुजरात में क्या होता था, कट ऑफ हमेशा कम जाती थी। अब कारण क्या है कि गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर एक डेवलप स्टेट है, रोजगार की कमी नहीं है वहाँ पर, ज़्यादातर लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स लेना कम रहता है, वहाँ पर ट्रेंड कम रहता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मध्य प्रदेश के चाहे लोग हों, छत्तीसगढ़ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार हो, हरियाणा हो, हिमाचल, जम्मू या फिर जितने भी हिंदी हार्टलैंड के जो छात्र हैं वो सीधे कहाँ पहुँच गए, गुजरात पहुँच गए। ठीक है, एग्ज़ाम देने, क्यों वहाँ पे कट ऑफ तो कम जाती है। अब क्या हुआ, कट गुजरात में जितनी वैकेंसीज थी उससे कहीं ज़्यादा क्या हो गया, एप्लीकेशंस हो गए वहाँ पर, मतलब क्या हो गया, कट ऑफ सीधे सीधे हाई चली गई, यानी वैकेंसी कम और अप्लाई करने वाले ज़्यादा तो कट ऑफ हो गई हाई। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में ऑफिस असिस्टेंट में भी ये देखने को मिला, मध्य प्रदेश में हर साल क्या होता है, कट ऑफ हाई जाती है,
पिछले 2-3 साल से 70 के ऊपर कट ऑफ जा रही थी, 72 हो रहा है, 73 हो रहा है, इस तरह की कट ऑफ एमपी में जा रही थी। एमपी का अनुमान था इस बार कट ऑफ हाई होगी, लेकिन जो लोग एमपी के कुछ लोग हैं जो जिनको मैं वो कहूँगा समझदार जो लोग हैं, उन्होंने एमपी से फॉर्म भरा कोरोना के कारण, जिन्हें ज़्यादा डर था कि हम जाएंगे इन राज्यों में, गुजरात और जैसे राज्यों में तो हमें कोरोना का खतरा ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने राज्य से भरा। लेकिन जो खतरों के खिलाड़ी थे वो पहुँच गए गुजरात, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी पहुंच गए गुजरात और वहां पर कट ऑफ क्या हो गए, हाई चले गए। अब एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो सीधे सीधे बाहर हो गए, ठीक है, ये सिनेरियो देखने को मिला। और गुजरात की जो कट ऑफ थी ऑल टाइम हाई चली गई, मध्य प्रदेश की कम गई, पिछले 2-3 सालों की तुलना में कम गई है। इसके पहले 2017 में 60 नंबर मध्य प्रदेश की कट ऑफ थी, उसके बाद 2017 के बाद 2020-21 में मध्य प्रदेश की कट ऑफ गई 66.75, ये सबसे बड़ा कारण रहा। राजस्थान में भी यही देखने को मिला, कट ऑफ हाई गई, कारण ये था आसपास के राज्यों ने, यहाँ वालों ने यहाँ से अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस बार भी क्या है कि कट ऑफ का जो सिनेरियो देखा रहेगा, इस बार थोड़ा चेंज देखने को मिला। हो सकता है इस बार सबके सब मध्य प्रदेश आ जाए, क्यों, कट ऑफ मध्य प्रदेश की कम गई, इस बार मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाए और गुजरात का ट्रेंड वही हो जाए कि लॉ चली जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो जहाँ का है वहीं से फॉर्म डाले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि IBPS RRBs में आप अपने होम टाउन में ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जा सकते, या होम स्टेट में कभी ज़िंदगी में वापस ना जा सकते, क्यों, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे चाहे PO हो या चाहे क्लर्क हो, उसका जो ट्रांसफ़र है नहीं हो सकता, उस आपको आजीवन, जो मध्य प्रदेश का निवासी है मध्य प्रदेश से भरे, राजस्थान का है राजस्थान से भरे, उड़ीसा का, चाहे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, कट ऑफ जाके जब स्टेबल होती जब आप अपने राज्य से फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो रिस्क ना लें इस साल भी, मध्य प्रदेश में भरी कट ऑफ कम गई हो, मध्य प्रदेश नहीं जाना है, अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान में जाके फॉर्म भरना, ठीक है। अब देखिए ये ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ का था, इसका ट्रेंड भी यही देखने को मिला। MP 44.25 सबसे लोवेस्ट है पिछले, अगर मैं बात करूँ 5-6 साल में लोवेस्ट है मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 4 साल में सबसे लो गया है, ठीक है, क्योंकि सब गुजरात चले गए। जम्मू कश्मीर 52, राजस्थान 66, गुजरात 59.75, ऑल टाइम हाई गया है गुजरात का कट ऑफ। आंध्र प्रदेश 52.75, ओडिशा 62.75, झारखंड 54.25, हिमाचल प्रदेश 56.50, उत्तराखंड 61.50, हरियाणा 60.50, बिहार 68। अब 2-3 चीज़ देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र 47.25, तमिलनाडु 54.54, छत्तीसगढ़ 43.25, इस पर भी हम स्टार करेंगे, बंगाल 52, असम में 41, पंजाब में 59 और तेलंगाना में 48.25। अब देख सकते हो जो मैंने 4 स्टेट बताए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, अब ये चारों राज्यों के जो महारथी हैं उन्होंने क्या करा है, ये चलेगा राजस्थान, क्यों, कट ऑफ हर साल कम रहती है, वो चलेगा गुजरात, कट ऑफ कम रहती है, ये दोनों राज्यों में जाके यहाँ के लोगों ने कट ऑफ बढ़ा दी। अब जो यहाँ के समझदार छात्र थे, या जो नए छात्र थे, नए बच्चे थे, या फिर जिनको पसंद नहीं है ट्रैवलिंग करना एक राज्य से दूसरे राज्य में, उन्होंने MP से फॉर्म भरा, और देख सकते हैं कि ये जो बेवकूफ़ी जो बाकी के बच्चों ने करी है उनको फ़ायदा कर गई, ठीक है। ऐसा मैं प्री में भी नहीं बोल रहा हूँ, मेंस में भी बोला हुआ कि किस तरह से फ़ायदा कर गई है। देखो आगे चल के ये मेंस का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। देखो मेंस का पैटर्न क्या रहेगा आपका, ये ऑफिस असिस्टेंट का है और ऑफिसर स्केल, दोनों का दोनों के सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। बस हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑफिस असिस्टेंट में, तो ऑफिस असिस्टेंट में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगा, यानी कि कैलकुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा मॉडल पेपर देखने को मिलेगा आपका ऑफिसर स्केल 1 में, ठीक है। बाकी का देख लो, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यहाँ पे भी वही है,
जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यहाँ पे भी वही है। इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन है 40 नंबर के 40 क्वेश्चन, और यहाँ क्वांट में 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है आपको। यहाँ क्वांट दे दिया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी है। कंपोजिट 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अब देखो ये जो मेंस का कट ऑफ गया था कितना गया था। अब देखो आंध्र प्रदेश में कितना गया 128.32, ठीक है। असम में कितना गया 119.2, बिहार में 123.2। ये सब जनरल के कट ऑफ है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब यूआर के, जनरल जिसे बोलते हैं। छत्तीसगढ़ 115.7, ठीक है। ये ऑफिस असिस्टेंट की बात करो, क्लर्क की। गुजरात 112.64, हरियाणा 127.56, हिमाचल प्रदेश 127.44, मध्य प्रदेश 121.88, महाराष्ट्र 121, ओडिशा 126.2, पौंडीचेरी 123.82, पंजाब 126.2, राजस्थान 120.5, तमिलनाडु 132.76, उत्तर प्रदेश 119.64 और बंगाल 119.94। आप देख सकते हो वो चार राज्य जहाँ पे कट ऑफ मेंस की प्री की क्या थी, लो थी। कौन कौन से वो चार राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हाई था और गुजरात में हाई था। देखो जब मध्य प्रदेश में कट ऑफ कम गई थी प्री की, लेकिन यहाँ पे मेंस में क्या हो गई, बढ़ गई। गुजरात में हाई गई थी, मेंस में कम हो गई, ठीक है, परफॉर्मेंस गिर गया वहाँ पर। राजस्थान में क्या थी, हाई गई थी प्री में, मेंस में क्या हो गई, गिर गई। उत्तर प्रदेश का भी हाल देख लो, उत्तर प्रदेश स्टेबल रहा, वहाँ पे 73 कट ऑफ गई थी, यहाँ पर 119 रही, ठीक है। तो प्री में कट ऑफ गिरी है मध्य प्रदेश में, लेकिन मेंस में कट ऑफ बढ़ी है। जबकि गुजरात और राजस्थान में क्या हुआ, प्री में कट ऑफ क्या हुई, बड़ी, मेंस में कम हुई। ये ऑफिसर स्केल 1 का देख लेते हैं। ये मेंस का कट ऑफ था, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट का कट ऑफ नहीं था। अगर आपको इंटरव्यू क्लियर में गए, जो बच्चे इंटरव्यू दे के आए हैं, ठीक है, उनके लिए कट ऑफ कितना गया, आंध्र प्रदेश में 76.38, असम में 72.44, बिहार में 77.31, छत्तीसगढ़ में 75.50, गुजरात में 56.75। देख लिया किस में गया, ये मेंस में, और प्री में कितना गया था 59, ठीक है। हरियाणा में 91.81, हिमाचल में 88.38, जम्मू कश्मीर 89.88, झारखंड 82.25। आ गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कट ऑफ सबसे कम थी कहाँ पे, प्रीलिम्स में, लेकिन यहाँ पे कितनी गई, 77.13, गुजरात से ज़्यादा गई है, ठीक है। महाराष्ट्र में 73.56, मणिपुर में 65.06, मेघालय में 58.50, मिजोरम में 64.06, ओडिशा में 85.63, पंजाब में 92.38 और राजस्थान में 47.63। देख लीजिए एनालिसिस ये चल रहा है अभी अपना। तमिलनाडु 81.06, तेलंगाना 70.81, त्रिपुरा 80.44, उत्तर प्रदेश 70.56, उत्तराखंड हाई गई थी 100.38 और बंगाल में 80.94। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि कट ऑफ तो यहाँ पे 200 में से इतनी गई है, लेकिन सीधे सीधे खेल कहाँ था, फाइट कहाँ थी, प्रीलिम्स में थी। फाइट कहाँ थी, प्रीलिम्स में थी। जिस व्यक्ति ने प्रीलिम्स क्लियर किया उसका ऑफिस सर इसके से क्लियर हुआ होगा आराम से, और वो पीओ बन गया होगा अभी तक। तो मेन था प्री निकालना, ठीक है। अब प्रोविजनल अलॉटमेंट के भी देख लेते हैं हम। फाइनल कट ऑफ जो थी प्रोविजनल अलॉटमेंट की ये रही थी, आंध्रा की कितनी थी 70.10, अरुणाचल की 46.65, जो आखिरी में जाके 100 की बनी थी लिस्ट, उसमें आपको इतने नंबर लाना थे। ये सब जनरल की है ना। असम में 62.25, बिहार में 60.64.75, छत्तीसगढ़ 62.85, गुजरात 69.50,
हरियाणा 72.48, हिमाचल 62.80, जम्मू कश्मीर 72.82, झारखंड 63.25, मध्य प्रदेश 69.58। अब देखो गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कट ऑफ प्री की क्या थी, कम थी, लेकिन यहाँ पे मेंस की क्या है, फाइनल अलॉटमेंट की ज़्यादा गई है, किसके मुकाबले, गुजरात के मुकाबले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, पूरी पूरी फाइट जो थी प्रीलिम्स की थी, अब प्रीलिम्स के चक्कर में बच्चों ने क्या, यानी कि मेंस का तो उतने गया लगभग, अब मेंस के लिए बच्चों ने क्या करा, जितने थे गुजरात भर गए, गुजरात में प्री का कट ऑफ क्या हो गया, हाई चला गया और नैया डूब गई। इससे अच्छा, सबसे अच्छा जो तरीका है ना, अपने स्टेट से डालो, क्या होगा, प्री की कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। चलो आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में 69.62, मणिपुर 54.35, मेघालय 45.60, मिजोरम 40.48 और उड़ीसा 71.52, पंजाब 70.35, राजस्थान 75.55, तमिलनाडु 64.82, तेलंगाना 64.32, त्रिपुरा 53.48, उत्तर प्रदेश 72.55, उत्तराखंड 66.12 और बंगाल 64.18। मतलब देखिए, उत्तराखंड की जो कट ऑफ थी मेंस की तो हाई गई थी, लेकिन जब वो प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए जब कट ऑफ आई तो वो कम हो गई। उसी तरह राजस्थान की कट ऑफ मात्र 47 गई थी मेंस की, लेकिन प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए क्या हो गई, वो हाई चली गई, सबसे ज़्यादा हाई, ठीक है। मध्य प्रदेश की 77 गई थी कट ऑफ, प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए कितनी होगी, 69 हो गई। मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को 78 नंबर एमपी में आए होंगे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, सिलेक्शन किसका हुआ होगा, जिसको 150 नंबर आए होंगे, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो इसका मतलब ये नहीं कि 77 कट ऑफ का मत गई तो क्या हो गया, एमपी वाले का सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ होगा, ठीक है। यानी प्री लेवल प्रीलिम्स के चक्कर में दूसरे राज्यों से भरना घाटा पड़ गया, जबकि कट ऑफ में कोई वेरिएशन नहीं था। चलो अब देखो, ये हिंदी के लिए 3 बुक्स सजेस्ट करी है मैंने, लूसेंट की है एक बुक, संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना, ये लूसेंट की दूसरी बुक है, सामान्य हिंदी। अब आपको क्या करना है, आज हो रही है 21 मार्च, ठीक है, और हमारा जो पेपर होगा सितंबर के लास्ट में होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये गर्मियों का जो सीज़न है, आज से ही ये बुक्स खरीदें दोनों की दोनों, उसको पढ़ना शुरू करें। टारगेट रखें ये दोनों की, जो दोनों बुक हैं आपको, ये आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 मई तक। कब तक, 15 मई तक। और आप लगाना शुरू करें, उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, इस वाली बुक से करेंगे, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इससे तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ये वाली बुक है, कोशिश करना है कि अगर आप 22 मार्च को इस बुक को ख़रीद लेते हैं तो ये कम से कम 1 मई, ये 30 अप्रैल तक आप पूरी बुक पढ़ लें अच्छे से, 2 से 3 बार ये बुक को पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है ये कंप्यूटर के लिए। उसके बाद आप तैयारी कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, देखो कुछ नहीं करो, हफ्ते के आखिरी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन आप क्या लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। क्या लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे फ्राइडे के दिन, ठीक है। फ्राइडे के दिन क्या करोगे, पीओ का 1 मॉक प्रीलिम्स लेवल का और 1 मॉक क्लर्क का लगाएंगे, ठीक है, प्री का। और उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो गलतियां इन दोनों मॉक में आएगी वो आप मंडे से लेकर बैठेंगे, मंडे से उन टॉपिक्स को करना शुरू करेंगे। ऐसे आपके पास कितने 4 दिन रहेंगे, तो उन 4 दिन में आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। फ्राइडे को सिर्फ प्रीलिम्स के 2 मॉक लगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने बात करी सैटरडे और संडे की, वाइस वर्सा आप कुछ भी चुन सकते हैं सैटरडे और संडे को, एक मेंस का मॉक तो होना ही चाहिए भैया, एक दिन पीओ का लगेगा,
एक दिन लगेगा क्लर्क का, ठीक है। सैटरडे को या तो पीओ ले लो या संडे को ले लो, लेकिन दोनों दिन आपको मेंस का एक एक मॉक लगाना है। शनिवार को आप पीओ लगा लो, संडे को आप क्लर्क लगा लो, ऐसा कर लो। और जो बचे हुए आपके 4 से 5 दिन रहेंगे, हफ्ते के 5 दिन जो रहेंगे बचे हुए, उसमें जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे। और जो कंप्यूटर और जीए के क्वेश्चंस रहेंगे उनको रिवाइज करोगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। और ये जो शुरू होना चाहिए आपका, ये नेक्स्ट वीक से हो जाना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। इस तरह क्या होगा, 10 जो मेंस के मॉक रहेंगे वो आपके 2 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अंदर की जो है कमज़ोरियाँ पता चल जाएगी, कहाँ आप वीक हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, उन एरियाज़ में आपको सुधार करना पड़ेगा। बाकी हमारा जो लर्निंग आई क्यू की जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है वो चलती रहेगी, डिटेल्स में हम करा ही रहे हैं, ठीक है। तो यही थी स्ट्रैटेजी कि आपको क्या करना है। ये 2 बुक आपको कंप्लीट, ये कंप्यूटर मैंडेटरी कि आपको 30 अप्रैल तक पूरी करना है, और ये हिंदी की आपको 15 मई तक पूरी करना है। और जो आप को लक्ष्य रखना है कि कम से कम पीओ में 65+ आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और पीओ 65 का जो कंसिस्टेंट जो स्कोर हो जाए वो हो जाना चाहिए मई तक, ठीक है। अगर आप मई तक लगातार क्या करते हैं, मई तक अगर लगातार जो है मई में 65+ स्कोर करने में सफल हो जाते हैं, और जो मेंस है 120 के आसपास अगर स्कोर करते हैं, पीओ की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, पीओ की, तो आप सुने समझ लिए कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन पक्का, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं होना है, तैयारी अभी से करना है। 6 महीने 4 महीने का समय है आपके पास, शिद्दत से लग जाइए, तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये 2 से ये जो 4 बुक्स बताई हैं मैंने, ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। 2 बुक तो आपको कैसे भी करके 15 मई तक पूरी करना ही है, बाकी कंप्यूटर की ये वाली बुक भी आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात करी, एनालिसिस करा क्या हो रहा है, प्रिलिम्स का ही जो है कट ऑफ जा रहा है ऊपर, और जो बाकी का मेंस का कट ऑफ है कंसिस्टेंट हर राज्य का सेम बना हुआ है, ठीक है। कोशिश करना अपने राज्यों से ही पेपर दें। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।